वेलकम फ्रेंड्स आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आए हैं आज हम जेके एस एस बी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए एक मोक टेस्ट लेकर आए हैं जो जी के पोर्शन जो है जीके पोर्शन का मोक टेस्ट था क्वेश्चन थर्टी क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे टोटली बेस्ड अपॉन जे के एस एस पी एग्जाम पैटर्न पे बेस करके हम ये ला रहे हैं पिछले छः साल का एक्सपीरियंस है हमारा इस पे जेके एस एस पी को हम डीपली जानते हैं तो हम उसी ए, पूरे एग्जाम पैटर्न के हिसाब से एक टेस्ट लेकर आए हैं मेरा नाम है मोहम्मद इकबाल एंड आई एम वर्किंग एज अकाउंट असिस्टेंट पंचायत सो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला हमारा यहाँ क्वेश्चन है विच टूरिस्ट डेस्टिनेशन अमंग द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द रिंसो विलेज ऑफ रियासी रियासी की जो रिंसो विलेज है उनमें उसमें कौन सी रिंसो विलेज में कौन सी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पाई जाती है तो आपको राइट आंसर है शिवखोड़ी तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है दूसरा क्वेश्चन है कि रियासी शिवखोड़ी कहाँ पाई जाती है तो रियासी में ऐसे ही पूछा जा सकता है ओके तो शिवखोड़ी के रिलेटेड आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द निषाद बाग निषाद बाग के रिलेटेड ये क्वेश्चन है तो आपको आप बता दें निषाद बाग के रिलेटेड है तो करेक्ट स्टेटमेंट चुननी है आपको करेक्ट स्टेटमेंट इट इज़ बिल्ड बाय आसिफ खान वेरी गुड राइट आंसर इट इज सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन इन द कश्मीर यस इट्स राइट आंसर इट इज़ आल्सो नोन एज गार्डन ऑफ डिलइट जल्दी से बताओ ये भी राइट right है कि नहीं यस इट इज राइट सो द आंसर इज All of the above. तो आपको एक और चीज बता दूं हमारा ये मुक टेस्ट है इसमें आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है क्योंकि हर एक क्वेश्चन में हम बहुत सारी चीजें कवर करने वाले हैं जैसे कि इस क्वेश्चन में निशाद बाग के रिलेटेड तीन चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है आसिफ खान ने सोलह ती, ती, सौ में बनाया सेकेंड लार्जेस्ट गा, मुगल गार्डन है कश्मीर में और इसको गा, गार्डन ऑफ डिलइट भी कहा जाता है ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्री वर्ल्ड में कौन सी है बताएं लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्री दुनिया में दैट इज चाइना वेरी गुड राइट आंसर चाइना चाइना जो है सबसे ज्यादा टी प्रोड्यूस कर रही है इसके साथ साथ मैं आपको और भी बता दूँ सो so, आपको मैं यहाँ पर और बता दूँ टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के बारे में चाइना किन किन चीजों में टॉप प्रोड्यूस देखो राइस में भी चाइना है व्हीट चाइना कॉटन चाइना टी अभी बोल रहे थे तो क्वेश्चन में तो टी चाइना टॉप प्रोड्यूसिंग है गोरोनट चाइना तो मैं चाइना की सेपरेट करके यहाँ पर लिस्ट आपके लिए लाया हूँ तो ये आप याद रख सकते हो चाइना किन किन चीजों में टॉप पर है नंबर वन पे है प्रोडक्शन में ठीक है तो ये सारी चीजें आप याद रख सकते हो सिग्निशर्ट ले सकते हो सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हम हेयर इज द क्वेश्चन इन इंडिया हाउ मैनी स्टेट्स आर ऑन कास्ट लाइन कास्ट लाइन समुद्र के किनारे पे इंडिया की कितनी स्टेट्स हैं? देखो जी ये इंडिया का नक्शा है आपके सामने ठीक है तो यहां से अगर आप चलो तो देखो ये नाइन आंसर इज नाइन ठीक है आंसर नाइन है तो नाइन कहाँ से आप चलोगे यहाँ से गुजरात से चलोगे तो आगे नीचे नाइन कैसे हैं? ये आपको अभी मैं लिस्ट पूरी बताता हूँ कौन कौन सी नाइन स्टेट सो so, आपको मैं बता दूं सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं कि इंडिया की जो कास्ट लाइन एरिया है वो है पचहत्तर सौ सोलह किलोमीटर ठीक है नाइन स्टेट कास्ट लाइन पे है किनारे पे और वो कौन सी गुजरात से चलो मैं अभी नक्शा बता रहा था इंडिया का गुजरात से चलो नीचे महाराष्ट्र गोवा कर्नाटका केरला तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में एक तरफ से चलो आप वेस्ट से और जाकर ईस्ट में जाकर आप बांग्लादेश में रुक जाओ तो नीचे वाला सारा एरिया पानी के साथ जुड़ा हुआ है तो सबसे लॉन्गेस्ट कास्ट लाइन सबसे ज़्यादा कास्ट लाइन किसके गुजरात की गुजरात है लॉन्गेस्ट कास्ट लाइन ठीक है यूनियन टेरीटरीज की बात करें दमन इंदोरी पुडुचेरी आल्सो हैव कास्ट लाइन सो द क्वेश्चन इज़ वैन वर द जम्मू एंड कश्मीर यू टी एंड लद्दाख यू टी फार्म जे एंड के यू टी और लद्दाख यू टी कब बनी थी जब ये ऑर्गेनाइजेशन एक्ट कम इन टू फोर्स हुआ था आपको बता दें जे जे एंड के रीआर्गनेशन एक्ट कम इंटू फोर्स इकत्तीस अक्टूबर दो हज़ार उन्नीस को हुआ था तो दो थोड़ी सी पॉइंट्स में और बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है ये क्वेश्चन आप बताओ पाँच अगस्त दो हज़ार उन्नीस में क्या हुआ था जे एंड के रीआर्गेनेशन एक्ट जो है जे एंड के री ऑर्गनेशन एक्ट लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था ठीक है सॉरी राज्यसभा में राज्यसभा में पहले इंट्रोड्यूस हुआ था और अमित शाह ने इंट्रोड्यूस किया था दो छह अगस्त 2019 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ और पास भी हो गया था नौ अगस्त को प्रेसिडेंट के इसको साइन लग गए थे सेंट प्रेसिडेंट का मिल गया था तो ये चारों डेटें इंपॉर्टेंट है ठीक है चारू डेट पांच अगस्त के राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ छह अगस्त में रोज लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ नाइन अगस्त को प्रेसिडेंट के साइन हो इकतीस अक्टूबर दो हजार उन्नीस को टोटली कम इंटू फोर्स में आ गया था रिजर्वेशन एक्ट तो इस एक्ट के तहत जम्मू एंड कश्मीर को दो यूटीज में डिवाइड कर दिया गया था तो नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग इज आर करेक्ट फैक्ट अबाउट द डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल लो जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आपके सामने श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल की बात कर रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जिसको चिनानी नशरी टनल भी कहा जाता है फॉर्मली तो मैं आप आपको बता दूँ तो इसके बारे में आपको करेक्ट बताना है तो लेंथ इसकी अप्रॉक्सीमेटली नौ पॉइंट किलोमीटर यस इट्स राइट इज बाई डेक्शन टनल दोनों से ही है और इट इज फॉर्मली कार्ड एज चिनानी नशरी टनल तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ द तो यहाँ पर नेक्स्ट आपको बता दें यहाँ पर आल आर करेक्ट इसका आंसर रहेगा तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ ये जो क्वेश्चन है या इसके बारे में आपको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के बारे में तीन पॉइंट यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बताए जा रहे हैं तीनों आपको याद रखने है। हैं चिनानी नशरी टनल कहते हैं बायोडेक्शनल है और नौ किलोमीटर इसकी अप्रॉक्सीमेटली लेंथ है ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन जी मैंने कहा था एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को समझना है ऐसे ही टाइम पास के लिए वीडियो नहीं देखनी है याद रखने की कोशिश करनी है चीज़ों को ठीक है तो यहाँ पर पार्टीशन ऑफ बंगाल का क्वेश्चन है पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने अनाउंस की लॉर्ड कर्जन एक बात क्लियर होगी यहाँ पर उन्नीस में हुई पार्टीशन बंगाल दो बात यहाँ पर क्लियर होगी तीसरी बात है कि इसमें क्या हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल में बंगाल को पार्टीशन किया गया था डिवाइड किया गया था बंगाल को टू प्रोविंसेस के अंदर तो वो क्वेश्चन पूछा पूछाया था वो टू प्रोविंसेस कौन से हैं तो वो थे आपके यहाँ पर बंगाल यहाँ पर राइट आंसर इज बी एक तो बंगाल रहा जो मैन था और दूसरा ईस्टर्न बंगाल और असम दूसरा पार्ट बना था ओके यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें भी आपको क्लियर हो गई लॉर्ड कर्जन उन्नीस सौ पांच में हुआ था बंगाल पोटिशन लॉर्ड कर्जन ने की थी नेक्स्ट हम बात करते हैं ये आपको सीक्वेंस बतानी है विच ऑफ तो द फॉलोइंग इज अ करेक्ट क्रोनिकल ऑर्डर ऑल द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पार्टीज ड्यूरिंग द स्ट्रगल इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट में जो पार्टीज बनी थी उसकी करेक्ट सीक्वेंस बतानी है आपको ठीक है सबसे पहले यहाँ पर मैंने लेकर आया हूँ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 में बनी मुस्लिम लीग 1906 में बनी जस्टिस पार्टी का अभी मेरे माइंड से स्किप हो गया इसके बाद बनी स्वराज पार्टी जो 1900 तेईस में बनी ठीक है तो ये सबसे पहले जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में अठारह सौ पचासी इस सिक्वेंस की अगर हम बात करें ये जो पार्टीज बनी हैं तो ये आपको सिक्वेंस याद रखनी है नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड ओजोन डे वर्ल्ड ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है जल्दी से बताएं वर्ल्ड ओजोन डे या ओजोन प्रोटेक्शन डे भी आप कह सकते हो सिक्सटीन सेप्तबर को सेलिब्रेट किया जाता है सो द नेक्स्ट इज़ ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द रिवर ऑफ सारो रिवर ऑफ सारो किसे कहा जाता है जल्दी से बताएं दामोदर दामोदर रिवर को रिवर ऑफ सारो कहा जाता है द नेक्स्ट इज क्वेश्चन इलेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्राइबरी ऑफ गंगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है टाइम नहीं लगाएंगे यमुना इज द लार्जेस्ट ट्राइबरी ऑफ गंगा द नेक्स्ट इज हाउ मैनी लोकसभा सीट जे एंड के रियरक्शन एक्ट से क्वेश्चन है लोकसभा सीट कितनी है न्यू यूनिटरी लद्दाख लद्दाख की पूछे तो एक लोकसभा सीट लद्दाख की है ठीक है पांच जे जी, एंड के की और एक लद्दाख की है सीट ये रिया एक्ट के बाद की बात कर रहे हैं टोटल छह सीटें थी पहले लेकिन अब एक लद्दाख और पांच जम्मू एंड कश्मीर यूटी को है द बरदोली सत्याग्रह पे क्वेश्चन है बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था अप्रॉक्सिमेटली हम आप कहें उन्नीस ये बरदौली सत्याग्रह हुआ था उन्नीस में आ, दूसरी बात है कि लेट भाई इस लैड बाई वल्लभ भाई पाटल और तीसरी बात मैं इंपॉर्टेंट बता दूं वल्लभ भाई पाटल को सरदार वल्लभ भाई पाटल कहा जाता है ये सरदार का टाइटल इनको बरदौली सत्याग्रह के बाद ही मिला था ओके गांधी जी ने यह टाइटल दिया दिया था इनको ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ की तैयारी कर रहे हैं उनमें इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का टॉपिक जीके में तो उससे ये दो तीन क्वेश्चन में लाए ला हैं आपके लिए तो अठारह सो सतुंजा के रिवाल्ट से पूछा गया मैच कौन सा है नॉट uh, करेक्टली मैच कौन सा करेक्टली मैच नहीं है इनमें से जल्दी से बताएं देखो जी ये हजरत महल कानपुर से लड़ी थी ये गलत है ठीक है आंसर इसका यही होगा क्योंकि कानपुर से नहीं हजरत महल जो है वो लखनऊ से जो है इस रिवॉल्ट में, 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 में शामिल हुई थी तो ये आपको एक और चीज़ याद रखनी है इन इसमें जो शामिल हुए थे इन चारों का नाम याद रखना है जैसे कि खान बहादुर खान बरेली से ठीक है कनवर सिंह बिहार से ठीक है बग सिंह दिल्ली तो ये चारों याद रखना है हजरत महल का लखनऊ कर दो ये चीजें याद भी रखनी है क्वेश्चन के साथ सर। ठीक है आंसर तो आप कर दोगे देखो इसका आंसर आप कर बहुत सिंपल है इज़ द स्टेट विद हाइस्ट पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब एस की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट में है जल्दी से बताएं मध्य प्रदेश वेरी गुड चलो नेक्स्ट विच इज द स्टेट विद मैक्सिमम सेक्स रेशियो डेमोग्राफी पे क्वेश्चन आ गया मैक्सिमम सेक्स रेशियो किस स्टेट का है तो बहुत सिंपल केरला का मैक्सिमम सेक्स रेशियो नेक्स्ट इज विच पीरियड इज रेफर टू एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वेरी गुड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इक्कीस से इक्वंजा वाला जो पीरियड था इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा गया है ये राइट आंसर right है कि नहीं जल्दी से बताएं तो आप कुछ लोगों में आपको सिक्वेंस बता देता हूँ इसकी जो करेक्ट सिक्वेंस सॉरी यहाँ पर मैं करेक्ट कर रहा हूँ ये जो पीरियड था इक्कीस से तिरुंजा का इस पीरियड को हम कहते हैं स्टडी ग्रोथ का टाइम पीरियड ठीक है पीरियड रैपिड ग्रोथ है जिसमें एक्सप्लोजन हुई थी पॉपुलेशन की तो वो था आपका इक्वंजा से लेकर इक्कासी तक 81 का एटी वन का फिफ्टी वन से एटी वन ठीक है ये आपने याद रखना है और नेक्स्ट जो था हाई ग्रोथ में इक्कासी से दो हज़ार ग्यारह ठीक है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कौन सा नाइनटीन फिफ्टी वन से नाइनटीन एटी वन तक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन था इक्कीस से इक्वंजा तक स्टडी ग्रोथ चल रही थी सो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है आपको लग रहा है कि मैं आपको कंटेंट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आप मेरा एक पर्सनल चैनल है हम कह सकते हैं विजिट अनदर चैनल जो ये भी एक आईजी चैनल है आईजी जी तो इसके साथ हमारा एक चैनल है जिसका नाम है जे के स्टडी फास्ट तो इस चैनल पे अगर आप विजिट नहीं करोगे तो आपका बड़ा ही लॉस होने वाला है मैं ग्रेनटेड कह रहा हूँ कि आप इस पर जाएँ इसमें एफ़ के लिए रिलेटेड एफ डबल ए के रिलेटेड एक अलग प्ले लिस्ट बनी है उसमें जितने भी वीडियोज़ हैं वो आप देख सकते हैं उस चैनल को ज़रूर जरूर, जरूर सब्सक्राइब करें आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा छः साल का पिछला एक्सपीरियंस लेकर मैं आ रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए ही स्पेशली टाइम बहुत कम है आपको पता है कि जॉब का भी मसला है तो इसलिए बहुत रात को टाइम निकाल के आपके लिए तैयारी कर रहा हूँ मैं ताकि आपको हेल्प हो सके इसमें कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है तो जे के एस एस पी स्टडी फास्ट पर आप जाए ताकि हम हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट हूँ आप लोग हमारे साथ जुड़े डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा अगर लिंक नहीं है तो आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो जेके एस एस पी स्टडी पॉसिबली हम डाल देंगे तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसकी जो प्ले लिस्ट होगी आपके रिलेटेड तो आप वो देख सकते हैं जेके एस एस पी एफ डबल ए या अब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहां पर मिलेगा थैंक यू फॉर वॉचिंग आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेलो सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्स रश्यू सेक्स इश्यू की डेफिनेशन क्या है बहुत सिंपल है सेक्स इश्यू की डेफिनेशन है वो नंबर ऑफ वुमेन्स पर थाउजेंड ऐसे ही है यस नंबर ऑफ वुमेन पर थाउजेंड मेन नंबर ऑफ वुमेन्स पर थाउजेंड मेन सेक्स रश्यू की डेफिनेशन व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया जल्दी से बताएं लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इंडिया की कौन सी है लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट उत्तर प्रदेश है यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है दो हज़ार ग्यारह के सेंसस की बात करें थोड़ा सा मैं बता दूं यूपी में तेई पॉइंट उनासी करोड़ दो हज़ार उन्नीस के हिसाब से हम बात करें जो सेवेंटीन पॉइंट्स थर्टी फाइव सतारह परसेंट लगभग कंट्री की पॉपुलेशन यूपी में है ठीक है अगर हम बिहार की बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है पॉपुलेशन के हिसाब से लेकिन डेंसिटी बिहार की पॉपुलेशन की यूपी से भी ज़्यादा है तो डेंसीस्ट स्टेट पूछे तो बिहार

ये ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन है तो अंडमन निकोबार में है ये एयरपोर्ट ओके okay? तो so आपको थोड़ा सा ये तीन एयरपोर्ट याद रखने चाहिए मुंबई में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है चंडीगढ़ में मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तीन इंपॉर्टेंट है आपको ये याद रखने चाहिए ओके सो द नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द सेंसस अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 की ग्यारह की हम बात करें विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी अभी मैं बता भी रहा था आपको बिहार की सबसे ज्यादा डेंसिटी है ऑन विच आर रिवर अजमेर अजमेर कौन से रिवर पे लोकेटेड है तो लूनी रिवर पे अजमेर लोकेटेड है ओके नेक्स्ट इज द पेनिश रिवर विच डू नॉट जॉइन द अराबियन सी ठीक है अराबियन सी आपको बताऊँ ये इंडिया का शोर्थ पार्ट है ठीक है ये इंडिया है सपोज इंडिया इधर इधर क्या है आपका अराबियन सी इधर क्या है बे ऑफ बंगाल ओके okay? आपकी जो सोर्थ के रिवर्स हैं सोर्थ के इसमें दो रिवर ऐसे हैं जो इधर फ्लो कर रहे हैं और चार हैं जो इधर फ्लो कर रहे हैं ठीक है चार जो हैं बे बंगाल में रिवर जा रहे हैं वो है महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी चार बे बंगाल में जा रहे हैं और सी में जा रहे हैं नर्मदा तापी ठीक है यहाँ पर क्या पूछा जाए पेनिसुलर रिवर जो पेनिसुलर एरिया सोर्थ एरिया के रिवर हैं विच डू नॉट जॉइन सी में नहीं जा रहे हैं ठीक है तो वो कौन से हैं आपको नर्मदा तापी जा रहे हैं ठीक है नर्मदा यहाँ पर भी आ गया तो ये नर्मदा तो जा ही रहा है तापी यहाँ पर आ गया तापी मैंने कहा नर्मदा और तापी राबिनसी में जा रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर गोदावरी और कृष्णा में नर्मदा तापी नहीं है तो गोदावरी कृष्णा महानदी गोदावरी कृष्णा कावरी ये चारों बेअ बंगाल में जा रहे हैं राबिनसी में ज्वाइन नहीं कर रहे हैं ठीक है होपफुली आपको समझ आ रहे है मैं क्या कह रहा हूँ

सो द नेक्स्ट इज इन विच एयर इंडिया रेलवेज इंट्रोड्यूस कब हुए इंडिया के अंदर जल्दी बताएं रेलवेज इंट्रोड्यूस हुए से तिरवंजा में ठीक है इंडिया में रेलवेज इंट्रोड्यूस हुए अठारह में इंडिया में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया वार्टार्टिंग स्टार्टेड लॉर्ड दल ने स्टार्ट की थी 6 16 अप्रैल उन्नीस में ठीक है कहाँ से हुई थी फर्स्ट ट्रेन बम्बे से थाने चली थी चौंतीस किलोमीटर चली थी तो ये आपको इंफॉर्मेशन ये भी साथ में मैं दे रहा हूँ Uh, और नेक्स्ट बात करें रेलवे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईएफसी जो रेलवे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर लोकेटेड है तो ये लोकेटेड है पेरम्बर चेन्नई के अंदर पैरम्बर चेन्नई के अंदर ठीक है पैरम्बर ये आपको याद रखना ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन है वेयर इज पुष्कर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पुष्कर फेयर पुष्कर मेला जो होता है ना पुष्कर मेला पुष्कर फेयर या पुष्कर मेला कह है सकते हैं वो कहाँ पर हेल्ड होता है जल्दी बताएं पुष्कर मेला पुष्कर फेयर अजमेर में ओके okay? सो so uh, which is इज विच इज विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज फेमस फॉर इन तमिलनाडु तमिलनाडु में सब कौन सा क्लासिकल डांस फेमस है तमिलनाडु में तो इसका राइट आंसर है भारतीय नाट्यम भारतीय नाट्यम तमिलनाडु का फेमस क्लासिकल डांस है तो क्लासिकल डांस पर एक मिनट आपको अपनी मिन चीज़ें बताता हूँ जी क्लासिकल डांस के बारे में आपको ये याद रखना है कि क्लासिकल डांस आठ ही है मेनली तो ये आठों के आप नाम याद रख सकते हो इस तरह से ओके तो ये भारतीय नाट्यम अभी मैं कह रहा था तमिलनाडु क्वेश्चन था जो कथाकली केरला का क्लासिकल डांस है मोहनियातम केरला का क्लासिकल डांस है उड़ीज ये तो पता चल उड़ीजी का कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है मणिपुरी आठ को है मणिपुरी भी हो गया तो ये देखो ये दो आपको आसान हो गए ये और ये आपको कितने याद रखने हैं बाकी आठ में से दो के छ याद रखने हैं कथक नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर होता है सारिया असम में तो ये आपको छः वर्ड याद रखने हैं बड़ा मुश्किल नहीं है ये कोई ये या आपको याद रखना है क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है कभी भी कल्चरल से क्वेश्चन है कल्चर आपका है ना न कल्चर हेरिटेज वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है सो so, आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं हेयर इज द लास्ट क्वेश्चन संगाई फेस्टिवल कहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है संगाई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है मणिपुर में ओके okay. सो so, दीज आर द क्वेश्चन एक और इम्पॉटेंट बात मैं आपको बता दूँ हमारे चैनल पर अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया तो जे के एस एस पी स्टडी फास्ट पर आप जल्दी से विजिट करें तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है आप लिंक से जा सकते हैं या सर्च भी कर सकते हैं जे के एस एस पी स्टडी फास्ट यूट्यूब पर इस चैनल पर आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगी जेके एस एस पी एफ डबल ए करके वहाँ पर आप ज़रूर जाएँ और वहाँ की वीडियोज़ आप देखें उस प्ले लिस्ट की और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम रिसेंटली ही अभी आपके लिए मूक टेस्ट की एक सीरीज लेकर आ रहे हैं तो ये चैनल को आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना है अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है थैंक यू थैंक यू एंड थैंक यू, यू सो मच फॉर वॉचिंग